जय स्वामीनारायण। कार्तक महीनाना कृष्ण पक्षनी एकादशी ने उत्पत्ति एकादशी एटले के उत्पन्ना एकादशीना नामे ओळखवामां आवे छे। दरेक एकादशीनी जेम उत्पत्ति एकादशी पण श्री हरि विष्णुने समर्पित छे। आ एकादशी खूब ज खास मानवामां आवे छे। आ एकादशीना दिवसे व्रत करवाथी व्यक्तिना पाछला जन्मना पापनो पण नाश थाय छे अने तेने मुक्ति मळे छे। उत्पत्ति एकादशीना दिवसे व्रत करीने विधिपूर्वक पूजा करवाथी जगतना तातनी असीम कृपा मळे छे। आ दिवसे व्रत करवाथी श्री हरि विष्णु साथे धनना देवी माता लक्ष्मी पण प्रसन्न थाय छे। तो आवो जाणीए आ वर्षे उत्पत्ति एकादशी व्रत क्यारे करी शकाशे अने आनी पूजा विधि तेमज तेनुं महत्व। कार्तक महीनानी उत्पत्ति एकादशीनी तिथिनी शरूआत 9 डिसेम्बर 2023 ना सवारे 5:06 थई रही छे अने आनु समापन 10 डिसेम्बर ना सवारे 6:31 थशे। एवामां उत्पत्ति एकादशीनु व्रत 9 डिसेम्बर ना रोज करवामां आवशे। आ 10 डिसेम्बर 2023 ना बपोरे 1:15 थी 3:20 सुधी आ व्रतनु पारणानु समय छे। उत्पत्ति एकादशीनी व्रत विधि जोईए तो उत्पत्ति एकादशीना दिवसे सवारे उठीने व्रतनो संकल्प करी शुद्ध पाणीए स्नान करू। त्यारबाद धूप दीप नैवेद्य वगैरे 16 सामग्रीथी भगवान विष्णुनी पूजा अने राते दीपदान करवू जोईए। आ एकादशीना रोज राते भगवान विष्णुना भजन कीर्तन करवा। व्रतनी समाप्ति पर श्री हरि विष्णु पासे अजाणता थयेला पाप अने भूल माटे माफी मागी। बीजा दिवसे एटले के द्वादशी तिथि पर श्री कृष्णनी पूजा करी ब्राह्मणने जमाणी यथाशक्ति दान आपी विदाय आपी। हवे भक्तो आपणे सांभळीए उत्पत्ति एकादशी व्रतनी महात्म्य कथा। भक्तों युधिष्ठिरे भगवान श्री कृष्ण ने कहू कि हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी नी तिथि ते केवी रीते उत्पन्न थई, आ संसार मा ते शा माटे पवित्र मानवामा आवी तथा देवताओने ते केवी रीते प्रिय बनी ते कृपा करीने जणावो। त्यारे श्री कृष्ण बोल्या, हे कुंती नंदन, प्राचीन समयनी वात छे। सतयुग में मूर नामनो दानव हतो। एक काळ रूपधारी दुरात्मा महासुरे इंद्र ने पण जीती लीधो हतो। ए घणो अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा देवताओं माटे भयंकर हतो। बधा देवो तेनाथी हार पामता एमने स्वर्गमांथी हाकी काढवामां आव्या हता। हार पामेला देवो शंकाशील तथा भयभीत थईने पृथ्वी उपर विचर्या करता हता। एक दिवस बधा देवो भेगा मळीने महादेवजी पासे गया। त्या इंद्रे भगवान शिवने सर्वे वृतांत कहीने संभळाव्यु। इंद्र बोल्यो, हे महेश्वर, आ देवो स्वर्गलोकथी भ्रष्ट थईने पृथ्वी उपर विचरी रह्या छे। मनुष्य साथे रहू एमने शोभतु नथी। हे महादेव, कोई उपाय बतावो, देवताओ कोनो सहारो ले। त्यारे महादेवजीए कहू, हे देवराज, ज्या बधाने शरण आ नारा बधानी रक्षा में तत्पर रहनारा जगतना स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज पर विराजमान छे त्या जाओ। तेओ तमारा सौनु कल्याण करशे। भगवान श्री कृष्ण कहे छे, हे युधिष्ठिर, महादेवजीनी वात सांभळीने परम बुद्धिमान देवराज इंद्र बधा देवो साथे त्यां गया। भगवान गदाधर क्षीर सागर में विश्राम करी रह्या हता। एमना दर्शन करीने इंद्रे हाथ जोड़ीने तेमनी स्तुतिनो आरंभ कर्यो। इंद्र बोल्या, देव देवेश्वर, आपने नमस्कार छे। देव आपज पति आपज मति आपज करता आपज कारण छु, आपज सौनी माता अने आपज जगतना पिता छु। हे भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सल्य देवो भयभीत थईने आपना चरणे आव्या छे। प्रभु अत्यंत उग्र स्वभाव वाला महाबली मूर नामना दैत्ये बधा देवोने जीतीने तेमने स्वर्गमांथी काढी मूक्या छे। देवो अने दानवो बन्ने आपनी वंदना करे छे। पुंडरीकाक्ष आ दैत्योनो शत्रु छे। हे मधुसूदन, अमारी रक्षा करो। हे जगन्नाथ, बधा देवो मूर नामना दानवथी भयभीत थईने आपना शरणे आव्या छे। हे भक्त वत्सल्य, अमने बचावो। दानवोनो विनाश करनारा कमल नयन, अमारी रक्षा करो। इंद्रनी वात सांभळीने भगवान विष्णु बोल्या, हे देवराज इंद्र, ए दानव केवो छे अने रूप अने बळ केवुं छे तथा ए दुष्टनुं रहेवानुं स्थान क्यां छे? त्यारे इंद्र बोल्यो, हे देवेश्वर, पूर्व काळमां ब्रह्माजीना वंशमां तालजंग नामनो एक महान असुर उत्पन्न थयेलो हतो। ते अत्यंत भयंकर हतो। एनो पुत्र मूर दानवना नामथी विख्यात थयो। ए पण महापराक्रमी अने देवो माटे भयानक छे। चंद्रावती नामे एक प्रसिद्ध नगरी छे। एमाज स्थान बनावीने ते निवास करे छे। ए दैत्ये समस्त देवताओने हरावीने एमने स्वर्गमांथी काढी मूक्या छे। एणे एक बीजा इंद्रने स्वर्गना सिंहासन उपर पण बेसाड्यो छे। अग्नि, चंद्र, सूर्य, वायु अने वरुण पण एने बीजाने बनाव्या छे। हे जनार्दन, हूँ साची वात कही रह्यो छुं। तेणे बधा ज देवोना स्थानो बीजाने आपी दीधा छे। देवताओने तो ते प्रत्येक स्थानथी वंचित करी दीधा छे। इंद्रनुं कथन सांभळीने भगवान विष्णुने घणो ज क्रोध आव्यो। तेओ देवताओने साथे लईने चंद्रावती पुरीमां गया। तेमणे जोयुं के दैत्यराज वारंवार गर्जना करी रह्यो छे अने तेनाथी भयभीत थईने बधा ज देवो दसे दिशाओमां भागी रह्या छे। भगवान विष्णुने जोईने दानव बोल्यो, ઊભો રહે, ઊભો રહે। એનો આ પડકાર સાંભળીને ભગવાનના નેત્રો ક્રોધથી લાલ થઈ ગયા। તેઓ બોલ્યા, અરે દુરાચારી દાનવ, મારી આ ભુજાઓને જો। આમ કહીને શ્રી વિષ્ણુએ પોતાના દિવ્ય બાણોથી સામે આવેલા દુષ્ટ દાનવોને મારવાનું શરૂ કર્યું। હે પાંડુ નંદન, ત્યાર પછી શ્રી વિષ્ણુએ દૈત્ય સેના ઉપર ચક્રનો પ્રહાર કર્યો। તેનાથી છિન્ન ભિન્ન થયેલા सैकड़ों योद्धाओ पोताना मुखना मौतना मुखमां चाल्या गया। त्यार पछी भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम चाल्या गया। त्यां सिंहावती नामनी गुफा हती। ते 12 योजन लांबी हती। हे पांडु नंदन, ए गुफा ने एक ज दरवाजो हतो। भगवान विष्णु एमां ज सूई गया। दानवे पण गुफा में प्रवेश कर्यो। त्या भगवान सुतेला जोईने तेने घणो हर्ष थयो। तेणे विचार्यु, आ दानवोने भय पमाडनार देव छे। आती वहेली तके तेमने मारी नाखवा जोईए। हे युधिष्ठिर, दानव आम विचारतो ज हतो त्यां ज भगवान विष्णुना शरीरमांथी एक कन्या प्रगट थई। ते खूब ज रूपवती, सौभाग्यशाળી तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रथी युक्त हती। ते भगवानना तेजना अंशमांथी उत्पन्न थई हती। तेनुं बळ अने पराक्रम महान हतुं। युधिष्ठिर, दानवराज मूरे ते कन्याने जोई। कन्याए युद्धनो विचार करीने दानवने युद्ध माटे पड़कारीने युद्ध छेड्युं। कन्या बधा प्रकारनी युद्ध कलामां होशियार हती। हे मूर नामना महान असुर, तेना हुकार मात्रथी ज राखनो ढगलो थई गयो। दानव मरी गया पछी भगवान जागी उठ्या। तेमणे दानवने धरती उपर पड़ेलो जोईने पूछ्यु, मारो आ शत्रु अत्यंत उग्र अने भयंकर हतो। कोणे आनो वध कर्यो छे? त्यारे कन्या बोली, हे स्वामी, आपना ज प्रसाद थी मैं ए महादैत्यनो संहार कर्यो छे। त्यारे भगवाने कह्यु, हे कल्याणी, तमारा आ कार्यथी त्रणेय लोकना मुनियो अने देवो आनंदित थया छे। आथी तमारा मनमा जे काई रुचि होय ते प्रमाणे कोई वरदान मागो। देव दुर्लभ होवा छता ते वरदान हूँ तमने आपीश। त्यारे ते कन्या साक्षात एकादशी ज हती। तेणे कह्यु, हे प्रभु, जो आप प्रसन्न छो तो हूँ आपनी कृपाथी बधा तीर्थों में मुख्य समस्त विघ्नों नाश करनारी तथा बधा प्रकारनी सिद्धि आपनारी देवी थाओ। हे जनार्दन, जे लोको आपमा भक्ति राखीने मारा दिवसे उपवास करशे तेमनी बधी ज सिद्धिओ प्राप्त थाय। हे माधव, जे लोको उपवास एक टाणु अथवा फक्त भोजन करीने मारा व्रतनु पालन करे तेमने आ धन, कर्म अने मोक्ष प्रदान करो। त्यारे विष्णु बोल्या, हे कल्याणी, तमे जे कह्यु छे ते बधुज पूर्ण थाशे। भगवान श्री कृष्ण कहे छे के हे युधिष्ठिर, आवु वरदान पामीने महाव्रता एकादशी खूबज प्रसन्न थई। बन्ने पक्षोनी एकादशी समान रूपे कल्याण करनारी छे। एमा शुक्ल अने कृष्ण पक्षनो भेद न करवो जोईए। आम भक्तो, उत्पत्ति एकादशीनी व्रत कथा अहीं संपूर्ण थई। अमे आशा राखीए छीए के तमने आ एकादशीनी व्रत कथा खूबज मंगलकारी निवड़शे। सर्वे भक्तों ने अमारा घणा हितथी जय स्वामी।